हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू सीईटी एग्जामिनेशंस के बारे में। मुझे यूट्यूब में काफ़ी सारा कमेंट्स मिला था, मैं उसी का आंसर दूंगा। कुछ एमबीए के रिलेटेड था और कुछ रिजल्ट के रिलेटेड, जैसे बीबीए, बीकॉम, बैचलर ऑफ फार्मेसी, और कई सारे जो कोर्सेज है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। कई सारे कोर्सेज है जिसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, और कुछ कॉलेज के बारे में, बेस्ट कॉलेज क्या कुछ होंगे, कुछ एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रहा बात काउंसलिंग प्रोसेस का, काउंसलिंग एंड होने से पहले ही रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर इन केस नहीं होता है तो उस सब्जेक्ट के लिए जो है, या कई सारे दूसरे सब्जेक्ट के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और रहा बात काउंसलिंग प्रोसेस का, जिस भी सब्जेक्ट का काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है उसका भी हो जाएगा। ठीक है, उसका जब भी होगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। कुछ कुछ कोर्सेज का अभी रिलीज़ हुआ है, कुछ कुछ कोर्सेज का रिलीज़ नहीं हुआ है। मैं काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप नोटिस एंड सर्कुलर में आइएगा, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। उससे पहले मुझे एमबीए के रिलेटेड में कुछ बता दूँ। एमबीए के रिलेटेड में सिमी सिंह जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था कि टॉप कॉलेजेस क्या कुछ होंगे और एमबीए का फैकल्टी कैसा है आईपीयू में और प्लेसमेंट ऐसा कुछ। तो एमबीए में आईपीयू बहुत ही ज़्यादा, मैं अच्छा नहीं बोल सकता और बहुत ही ख़राब भी नहीं बोल सकता, मॉडरेट है। ठीक है, इसमें आपको जो है कॉलेज से ज़्यादा आपको खुद से स्टडी करना पड़ेगा। कॉलेज को सिखाएगा लेकिन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा रहा बात प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट आपका 3 से 8 के बीच में होता है। और कंपनीज के बाद बोला जाए तो TCS भी आता है, फ्लिपकार्ट भी आता है, IBM, Adobe, विप्रो, पेटीएम, टेक महिंद्रा और भी कई सारी कंपनीज हैं जो आते हैं। और इस पर आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको अगर इससे बेहतर अगर मिल सकता है तो आप वहाँ पे लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले मैट का एग्जामिनेशन हुआ था तो उनका परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं था, तो उन्होंने पुणे में किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया। उनका परसेंटाइल 70 के आसपास था, उनको जो कॉलेज मिला वो 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में जो कॉलेज मिलता है उनको, उस कॉलेज को मिल गया था। क्योंकि इस वजह से उनको मिला था, कोरोना का टाइम जो है ना, कोरोना टाइम में कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन नहीं ले रहे थे और काफ़ी सारा इशूज़ था, तो उनको काफ़ी अच्छा मिल गया था। तो आपको अगर इससे बेहतर मिलता है तो आप देखिएगा। रहा बात, आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, गूगल और कोराम जाके आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। और बाकी रहा टॉप कॉलेजेस का, टॉप कॉलेजेस का लिस्ट मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दिया था। और अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे, और एक क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, मीन्स आपका कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप अपीयरिंग करके आप जितने भी सारा सब्जेक्ट है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले एक लड़का था, उसका IIT कानपुर में एडमिशन हुआ केमिस्ट्री में। ठीक है, उसका 46 के आसपास ऑल इंडिया रैंक था और उन्होंने आलिया यूनिवर्सिटीज़ केमिस्ट्री ऑनर्स किए थे, तो उनका जो है अभी तक एग्ज़ाम चल रहा है, अभी एंड होने को है, तो वो एडमिशन ले पाए थे। तो ऐसे भी आईपी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होगा कि आप अपीयरिंग का जो मार्क्स होगा उसी को दिखा के आप जो है अपना कर सकते हैं। रहा बात कॉलेज लेसेंस का, आप किसी भी कॉलेज में अगर पढ़िए, ठीक है, अभी स्किल्स रिक्वायर होता है हर एक फील्ड पर, और प्लेसमेंट तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितना भी सारा है वो आपका बेसिकली जो भी CSE ब्रांच है या दूसरा कोई ब्रांच है, आपको काफ़ी फीस ले लेंगे, 4, 6, 8, 10। मैं IPO की बात नहीं बोल रहा, तो आपको प्लेसमेंट देंगे कितना, 10, 12, 15, 20, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कॉलेज क्या कैसे चूज करना है, आप जिस भी कीजिएगा आप थोड़ा सा रिव्यूज़ देख लीजिएगा गूगल में, कोरम जाके देखिएगा, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, जो बंदा पढ़ता है उसी का रिव्यूज़ आप देखिएगा, तो आपको उसमें काफ़ी कुछ जो है आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, जैसे आपका जादवपुर में कुछ स्टूडेंट्स था, कुछ CSE ब्रांच में था, कुछ इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल, फार्मेसी और कई कई सारे थे,
तो उन्होंने अगर उनको ऑफ कैंपस या कैंपस में जाके उनको अगर प्लेसमेंट लेना होता था, मैं अभी काफ़ी टाइम था उन लोगों के साथ, तो मैंने देखा था उनको पहले फॉर्म फिलअप करना होता था। अभी बेसिकली ऑनलाइन में हो रहा है, मैं ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ, और कैंपस में भी सेम प्रोसेस होता था। उनको फॉर्म फिलअप करना होता था, उसके बाद टेस्ट होता था। टेस्ट टेस्ट में किया कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, टेस्ट में पूछे जाते थे क्या कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते थे, कुछ कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसका इंटरव्यू होता था, ग्रुप डिस्कशन ऐसे के जो है, आपका प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट आपको अगर फोड़ना है तो वो भी जो भी बंदा था वो काफ़ी मतलब काफ़ी ऑल इंडिया बेसिस पे ऑल पे काफ़ी अच्छा कोडिंग करता था। सिर्फ कोडिंग करना नहीं होता है, मीन्स आपको अगर अच्छा पैकेज लेना है तो आपको अच्छा कोडिंग भी आना चाहिए, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। और बाकी आप किसी भी ब्रांच से हैं, कोडिंग करके आप जो है दूसरे ब्रांच में भी जा सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिविल या इलेक्ट्रिकल या दूसरे कोई ब्रांच ख़राब है, सब में अलग अलग स्कोप है, आप सब में बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। और देखिए आपका कुछ काउंसलिंग का एक्सटेंड कर दिया गया है बीटेक के रिलेटेड, ठीक है। इसका उन्हें 13 और 14 के बीच में कुछ लास्ट डेट इंतिक दिया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में क्या कुछ लगेगा, आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, कुछ स्टेप है, तो इस बॉक्स में अगर आप क्लिक करते हैं, इस बॉक्स में अगर क्लिक करते हैं आप, तो उसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या कुछ स्टेप है। और बाकी रहा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा एक, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा तो क्या होगा, जो भी डाउट होगा आप लोगों का, सब कुछ आप उस ग्रुप में जो है शेयर कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर अपना क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। और बाकी था, मुझे काफ़ी सारा कमेंट्स मिला था, हर एक कमेंट्स मैंने पढ़ा, मैंने सबका रिप्लाई दिया, जैसे मोनिका जी, अमन, प्रियांशा, संदीप, आकांक्षा, आरोही, और भी कई सारे नाम हैं, रितु जी ने भी बैचलर फार्मेसी के लिए पूछा था, और भी कई सारे नाम हैं जो मुझे इतना अभी तक याद नहीं आ रहा, लेकिन सबका मैंने कमेंट्स पढ़ा था, सबका रिप्लाई दिया था, सबका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्या उनका रिज़ल्ट नहीं आया या कुछ भी इश्यूज़ हो सकता है, वो डिसलाइक देके जाते हैं, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा व्यूज़ जैसे भी आ जाते हैं, व्यूज़ नहीं आए मैं कुछ बताया तो एक का भी अगर हेल्प हुआ ना मुझे अच्छा लगता है, अगर एक का भी अगर लाइक किया तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा, मैं उस टॉपिक में अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।